गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो। मैं हूं आपके साथ नेहा। स्वागत है आपका नेचुरल ब्यूटी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कलर करेक्टर के बारे में, यूज करना है किस प्रॉब्लम पे, हमें कौन सा करेक्टर यूज करना है और किस तरीके से हमें यूज करना है। तो ये सभी जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना वीडियो। ऑरेंज, हम किसी भी जो प्रॉब्लम पे है ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, ग्रीन यूज करते हैं। तो ये हमें पता कैसे लगाना है कि हमें कौन से पर हमें कैसा जो है करेक्टर यूज करना है, तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है थ्योरी। जी हाँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होती है हमारी कलर थ्योरी। ये देखिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो कलर। ये येलो है, ये हमारा रेड कलर है, देन ये हमारा ब्लू कलर है। जी, तो इसके अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज हम बात कर रहे हैं कि हमें कलर करेक्टर कैसे हमें ले। ब्लू प्रॉब्लम है तो हमें ऑरेंज कलर करेक्टर चाहिए, पर आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी ब्लू प्रॉब्लम है? तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे, अगर आप बिल्कुल एकदम सन की लाइट में जाएंगे ना, तो आप अपने जो है डार्क सर्कल्स देखना एकदम गौर से। आप मिरर ले लेना हाथ में और आप अच्छे से अपने इन डार्क सर्कल्स को देखना, तो ये आपको ब्लू दिखेंगे। ये ब्लू ही होते हैं, बट हमें लगते क्या है, ब्लैक। हमें ब्लैक लगते हैं या तो ब्राउन लगते हैं, बट असल में ये होते हैं ब्लू। जी हाँ, और जो ब्लू हमारी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो हमारी डार्क सर्कल्स होते हैं या हमारा डार्क एरिया होता है, उसको हमारा जो काटता है वो होता है हमारा ऑरेंज कलर। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने डर्मा पैलेट लिया है। ये है हमारी डर्मा पैलेट, मेरा ऑरेंज कलर करेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो मेरा डार्क सर्कल है मैं उस पर इसको लगाऊंगी। तो आपने अच्छे से वेट कर लिया, मैं थोड़ा सा कैमरे के सामने आ जाती हूँ। इसको हम करेंगे अच्छे से ब्लेंड। क्या है, यानी मेरे अंडर आई है वो, आप यहाँ पे मैंने जो करेक्टर यूज किया है उसमें और जब जहाँ मैंने कुछ भी यूज नहीं किया उसमें इजीली डिफरेंस देख सकते हैं। तो लिप्स की साइड में होती है और आपके फॉरहेड की इधर होती है। तो जो भी डार्क, जो भी आपके स्किन पे डार्क एरिया होगा उस पर हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे, ताकि जो वो डार्क एरिया है वो हमारे स्किन के मैच में आ जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपने स्किन टोन का ही कंसीलर लगाना है, ताकि ये बिल्कुल मतलब एकदम और इसके बाद इसकी करेक्शन करने के बाद जब आप अपना अपने फेस के लिए फाउंडेशन लेंगे तो आपने क्या करना है, फिर इसको इस तरीके से लगाना है। कितना डिफरेंस दिख रहा है। ओके, अगर हमारी रेड प्रॉब्लम है, जैसे कि रेड प्रॉब्लम्स होती है, उसको हमारा ग्रीन करेक्टर जो है करेक्ट करता है, ग्रीन कलर करेक्टर करेक्ट करता है। तो हमारी रेड प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे कि हमारे रेड पिंपल्स होते हैं, या फिर जिसे हमारे कभी भी पिंपल्स होते हैं तो हमेशा रेड कलर के ही होते हैं, तो उस पर हमें हमेशा ग्रीन कलर का करेक्ट करेक्टर यूज़ करना है। देन आपको फिर उसके बाद करेक्ट करने के लिए आपको अपने सेम कलर का जो है कंसीलर लेना है। कंसीलर लगाने के बाद फिर आपको फाउंडेशन लगाना है। डायरेक्ट ये ना हो कि आपने ग्रीन कलर का करेक्टर लगाया है और जब आप फाउंडेशन कर रहे हैं तब भी ग्रीन दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसी हिसाब से आपने हमेशा जो है प्रोडक्ट उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कलर करेक्टर है, ठीक है। कंसीलर लगाना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। तो ये तीन लेयर चलती है हमारी। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट कर देना। बाय बाय गाइस।